ऋतिक रोशन के सुपर हीरो किरदार क्रिश को बॉलीवुड का ओरिजिनल सुपर हीरो माना जाता है और क्रिश फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म क्रिश 3 साल 2013 में रिलीज हुई थी, जिसमें कंगना रनावत, विवेक ओबराय और प्रियंका चोपड़ा जैसे एक्ट्रेस अहम किरदारों में नजर आए थे। और अब खबरों की माने तो राकेश रोशन ने लॉकडाउन के दौरान क्रिश 4 की अच्छी स्क्रिप्ट तैयार कर ली है, जिसकी कहानी के अनुसार सुपर हीरो पिछले समय में जाकर अपने साइंटिस्ट पिता रोहित मेहरा और बच्चों के बीच पसंद किए गए कैरेक्टर जादू को वापस लेकर आएगा। और इस आइडिया के फाइनल होते ही राकेश रोशन प्री प्रोडक्शन का काम शुरू कर देंगे और राजेश रोशन म्यूजिक का डिपार्टमेंट संभालेंगे। वहीं VFX का काम शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट हैंडल करेगी। फिल्म की इनोवेटिव थीम को देखते हुए डायरेक्टर ने विजुअल इफेक्ट्स के लिए शाहरुख की कंपनी पर भरोसा किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राकेश रोशन का इरादा सुपर विलन्स की फौज को दिखाने का है, जो कि हीरो से लड़ेगी। हर विलेन को खतरनाक लुक देने के लिए उन्होंने हॉलीवुड डिजाइनर को हायर किया है। रोहित का किरदार कहानी में अहम है, क्योंकि वही एक शख्स है जो जादू से कांटेक्ट कर सकता है। फिल्म की कास्टिंग के लिए अभी बात चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि फिल्म जनवरी 2021 में फ्लोर पर आ जाएगी। फराह खान और रोहित शेट्टी कई दिनों से आइकॉनिक फिल्म सत्ते पे सत्ता के रीमेक पर काम कर रहे हैं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ कारणों से ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कई दिनों से फिल्म के कास्ट के सिलेक्शन का प्रोसेस चल रहा था, तब जाकर कुछ दिनों पहले ऋतिक रोशन और अनुष्का शर्मा की जोड़ी को फाइनल किया गया, लेकिन अब ऋतिक रोशन ने सत्ते पे सत्ता के रीमेक पर काम करने से मना कर दिया है और ऋतिक ने अपनी जगह पर फराह को किसी और को कास्ट करने की सलाह दी है। दरअसल ऋतिक के इस फिल्म में काम ना करने के कई कारण हैं। पहला कि ओरिजिनल सत्ते पे सत्ता के मेकर सिप्पी फैमिली से फराह को फिल्म के राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि फराह खान ने 2 से 3 करोड़ रुपए सिप्पी फैमिली को ऑफर किया है, जो सिप्पी फैमिली को मंजूर नहीं है। इसलिए फराह अब हॉलीवुड फिल्म 7 ब्राइड्स फॉर 7 ब्रदर्स का ही हिंदी रीमेक बनाने की सोच रही हैं, जिसके लिए फिल्म के स्क्रिप्ट को पूरी तरह से बदल दिया गया है और फराह ने अब अपनी फिल्म का नाम 7 रख दिया है। और इन सब कारणों से वॉर एक्टर की अब फराह की फिल्म को लेकर दिलचस्पी खत्म हो गई है। इसलिए फराह खान और रोहित शेट्टी अब ऋतिक की जगह दूसरे एक्टर की तलाश कर रहे हैं। वहीं अनुष्का शर्मा का नाम अब भी फराह की फिल्म 7 के लिए रिजर्व है।